लगा दूंगा तू जो मांगे बुला दूंगा। तेरी सारी विश भुगा दूंगा तू जो मांगे बुला दूंगा। जो सारे शहर में देगा वीजा ला दूंगा तेरा लेगा। मैं प्याची प्याची रे हाँ कर दे मेरी मोटो राखू राजी राजी रे। तू हाँ कर दे मेरी मोटो राखू राजी राजी रे। खातर ऑर्डर करूं पला जो जान कलर में पैरिट का। तेरी रिंग में डायमंड जड़वा दूं ओरिजिनल 24 कैरेट का। तेरी खातर ऑर्डर करूं पला जो जान कलर में पैरिट का। तेरी रिंग में डायमंड जड़वा दूं ओरिजिनल 24 कैरेट का। तेरे आइलैंड नाम करा दूं प्राइवेट जेट में घुमा दूं। हो जा वाची वाची रे आकर दे मेरी फोटो राख दूंगा तू चल लेगी तन तन बेबी। मैं भी कंगन तेरे ला दूंगा जो बोलेंगे छन छन बेबी। अरे जिम्मी चू मंगवा दूंगा तू चल लेगी तन तन बेबी। गोल्डन झांझर बनवा दू कई दर्जन घुंघरू लगा दू। हंडे भाजी भाजी रे हाँ कर दे मेरी मोटो राखू राजी राजी रे। तू हाँ कर दे मेरी मोटो राखू तेरी कैटवॉक ने हायर कर लिया बाबा जी का हार्ट रे। दिलेर खरकिया बनना चाहे तेरी लाइफ का पार्ट रे। तेरी कैटवॉक ने हायर कर लिया बाबा जी का हार्ट रे। दिलेर खरकिया बनना चाहे तेरी लाइफ खरक गाम ले जाऊं और नई नई तर्ज सुनाऊं कभी ताजी ताजी रे। हाँ कर दे मेरी मोटो राखू राजी राजी रे। तू हाँ कर दे मेरी मोटो राखू राजी राजी रे। हो मेरी एक दुआ है तेरे ते चमन मिला दे मेरे तय। मेरी एक दुआ है तेरे तय मेरा चमन मिला दे मेरे तय। मेरा चमन मिला दे मेरे तय उन टोवे उसका प्यार। हाय तेरे बिना मेरी लीलो रे मेरी जिंदगी से बेकार। तेरे बिना मेरी लीलो रे मेरी जिंदगी से बेकार। सकू थी जतन कुछ हो जाता। लीला जन्म जन्म का से अपना नाता। मैं जी ना सकू थी जतन कुछ हो जाता। लीला जन्म जन्म का से अपना नाता। ओ तेरी सारी नजर उतारू सू या जिंदगी तेरे पे मारू सू। नहीं किते ना जान दियो ना हाथ किसे ने लान दियो। ना हाथ किसे ने लान दियो मैं मरने ने भी त्यार। हाय तेरे बिना मेरी लीलो रे मेरी जिंदगी से बेकार। तेरे बिना मेरी लीलो रे मेरी जिंदगी से बेकार। हो हो हो, 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 ह
मेरा प्यार यो मिसाल बनेगा। जो प्यार का बेरी वो मरते डरेगा, तेरा मेरा प्यार यो मिसाल बनेगा। जो प्यार का बेरी वो मरते डरेगा, सारी जंग प्यार की जीत ले वे। जो रे चमन में तेरी डोर सू, हर ढंग में तेरी ओर सू, हर ढंग में तेरी ओर सू, चाहे कितनी भी हो तकरार। हाय तेरे बिना मेरी लीलो रे मेरी जिंदगी से बेकार। एक बात रे लीलो तन बुझू सू, तन प्यार करूं मैं और पूछू सू। एक बात रे लीलो तन बुझू सू, जे तू ना होती तो के होता, मेरी जिंदगी में कुछ ना होता। मैं लीलो तेरी तू मेरा चमन, साथ न्यू लागे धरती गगन, हमारा साथ न्यू लागे धरती गगन, कद होवेगा पूरा प्यार। इस जन्म में ना मिल पाए तो हमारा अगला जन्म से प्यार, इस जन्म में ना मिल पाए तो हमारा अगला जन्म से प्यार, इस जन्म में ना मिल पाए तो हमारा अगला जन्म से प्यार। तेरे सूट करे सारे रे कलर बावली, तेरे आगे सारी छोरी से बलर बावली, तेरा बैग रे करंट दोनों मारे से करंट, मने दिल में लगा ली तेरी फोटो। हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो मोटो मोटो, हाय रे मेरी मोटो। रहनिया संग के साथी दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो।
चरणा में परिणाम लिखो चाचा ताऊ गाम मेरे में सबने दुआ सलाम लिखो सबने दुआ सलाम लिखो जितने से मेरे मित्र प्यारे सबने राम राम लिखो मेरी माँ के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो एक जरूरी काम जिस रस्ते मेरी अर्थी जा उस रस्ते फूल बखेर दियो देश के ऊपर जान झोंक दी लिख चिट्ठी में गिर दियो जितने लिख दो के नहीं फिकर मगात करे दो यानी सी मूरत से कदे वा चिंता दिन रात करे कौन किसे के गल्याया कौन किसे का साथ करे एक दिन सब ने जाना से कदे मामूली सी बात करे मामूली सी बात मेरा बदला लेना होते उच्चे सुर में टेर दियो देश के ऊपर जान झोंक दी लिख चिट्ठी में गिर दियो इतना कहने को गई हो मात पिता और भाई चारे की जाके धीर बंधियो जाके धीर बंधियो एक काम मेरा और लिखो मत उल्टा कदम हटियो रे जिस जननी का दूध पिया मत उसका दूध ले जाइयो रे कहे मेहर सिंह प्राण त्याग के दुश्मन का कर ढेर दियो देश के ऊपर जान झोंक दी लिख चिट्ठी में गिर दियो
धड़कन आली पहर कचले नखरे आली आया रे पटाका आया रे पटाका मलंग कवारे सीटी मारे मलंग कवारे सीटी मारे रांडे पिटे ताली आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका महके बदन जैसे चंदन लहरे या चुंदड़ी जब साले पवन मुखड़ा ईशा खिल रहा चांद गगन जो दिले देख रहना काबू मन छननन छननन न्यू चाले रे छननन छननन न्यू चाले जनु बलद हाकता हाली आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका जब जावा पानी लियावण छोरे वार जान पोली आले बुढ़िया के भी खड़े हो जकान मोटे मोटे नैना आली तन के समान सेब से गलूरे उसके होटा पे मुस्कान मिश्री कैसी जुबान चाल मिश्री कैसी जुबान चाल गोरी भोली भाली आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका जो बन तो लेवा तो काया छोले नाते सिरवा हसेर बोले देवरा के शमी जाके घूंघट खोले जेठा के शमी बैरण पर्दे न ओले आजाद सिंह की सैल जगी आजाद सिंह की सैल जगी यो ठाडा मिल रहा रुखाड़ी आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका आया रे पटाका time.
प्यारी तू ताली से छोरी दरवाले ने पापड़ मन ने बोझ लाग रहा करती क्यों ना सीलक तन में जोश जाग रहा हार का ना छोरा मैं सुशी ठिकाने का मारा थारा खोलू से के लाने का कहती हो तो रस तन्ने प्याया करूंगा के होसे धोखे बाज लुगाई का एतबार के होसे धोखे बाज लुगाई का एतबार के होसे मैं सूर पाली वाघर आली ओ प्यार के होसे करा मेरा किसे दिन का ना छोड़ दिया इब केरा हो मेरा इसी
पर सिहरे हो लिए कमल चौतरी और जोहरी मर डेरे हो लिए जिंदगी भर के सेवक लीलो तेरे हो लिए पिपल दमन रहे गवा मर फेरे हो लिए पानी ने पंडित समझ रहे इसके लोक जारी से कह धनपत सिंह हो लिए फिरे नाली लोक वारी से हेरे रे 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 साचम साची बता दे रली लो देख दिलेर मैंने ना बहुत सोचा और सोचने के बाद ना मुझे एक चीज समझ आई मैं तो एक खूबसूरत लड़की जो तो प्यार करने वाला कोई भी मिल जाएगा पर अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ना पैसे वाला होना जरूरी है जो कि मुझे अब मिल गया है तो आई एम सॉरी दिलेर दिल तो टूट गया मेरा या दिल की दुनिया उजड़ गई यारो इब मेरा के जीना दिल की प्यारी बिछड़ गई दिल तो टूट गया मेरा या दिल की दुनिया उजड़ गई यारो इब मेरा के जीना दिल की प्यारी बिछड़ गई उसके लेटर उसके फोटू सारे कैमे बटवा दूं बेवफा इसी होया करे से सारे मेरा बटवा दूं उसने मैं कति मिटवा दूं मेरी खबर गाम में उखड़ गई यारो इब मेरा के जीना दिल की प्यारी बिछड़ गई दिल तो टूट गया सहन जुदाई वादे जागी ब्याही रे मेरी सांस बदन ते लिकड़ गई यारो इब मेरा के जीना दिल की प्यारी बिछड़ गई दिल तो टूट गया मेरा इब दिल की दुनिया उजड़ गई यारो इब मेरा के जीना दिल की प्यारी बिछड़
मैं बनके कोई हसीदा सितां जन्मों पड़े हकीकत सुनाने रवा जे तैनू दे सुकून आहिया मैं ओ हवा बनके आंदे रवा कर ली नमन्ना आज उनको चलो हो गए जो फना इस वतन के लिए दी गई जान हंसते हुए जो जवां इस धरती के चैनों अमन के लिए कर ली नमन्ना आज उनको चलो हो गई जो फना इस वतन के लिए तो भैया दो वर्ब और दो सब्जेक्ट जब आपस में बराबर हो तो उस समय सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों इस कॉन्सेप्ट से अगर करोगे ना जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए कभी गलत नहीं हो सकता एक सेकेंड ये क्वेश्चन यहां से चल के यहां तक खत्म हो गया मुझे आंसर चाहिए साथियों आंसर बताओ फटाफट जल्दी से इसका अर्थ क्या है राजीव वो खिलाड़ी है जिसे हम पसंद करते हैं उसने 300 रन स्कोर किए हैं आज क्वेश्चन नया बन गया नया क्वेश्चन है भाई दिस इज द न्यू क्वेश्चन जल्दी से बताओ फटाफट आंसर क्या होगा भाई मुझे नहीं पता क्या आएगा मैं नहीं जानता क्या आएगा आप बताओ V1 S1 V2 S2 लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला के ये क्या बन गया V3 तो इस बार वर्ब कितनी हो गई बोलो रे सब्जेक्ट कितने हो गए अब देखो अब आपको लिंक कब मिलेगा वो देख लो ध्यान से ठीक है लिंक कब मिलेगा बुक का वो सुन लो ध्यान से एक तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बुक के लिए फोन मत किया करो क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेला फोन मिला रहा हूं और मेरे पास आते हैं एक घंटे में लगभग 300-400 कॉल ठीक है मेरा फोन आजकल 400% बैटरी खींच रहा है दिन में चार बार चार्ज करना पड़ रहा है ठीक है तो ऐसी स्थिति मत पैदा करो कि मैं कहीं गंगा जी में जाके स्नान करने जाऊं और वहीं पर रह जाऊं ठीक है तो ये स्थिति उत्पन्न मत करो मेरे सामने अब बुक का लिंक सुन लो कब डालूंगा पहली तो बात आपको फोन नहीं करना आज का जो आपका दिन है वो बुक ऑर्डर करने का दिन है अगर आपने अभी 5 बजे बुक ऑर्डर कर दी ऐसे तो नहीं मैं रात को पोस्ट ऑफिस में दौड़ के जाऊंगा कि आपकी बुक जमा करने ठीक है आज पूरी रात जो है आप क्या कह सकते हो कल 10 बजे तक का टाइम जो है वो आपका ऑर्डर करने का टाइम है उसके बाद ही बुक आप पर भेजी जाएगी तो इतने बेसब्र मत बनो दूसरी बात स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं ठीक है नमस्कार बेटा नमस्कार जय हिंद नमस्कार सभी को जय महाकाल चलो तो जो सारे के सारे नए बच्चे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ठीक है और टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बताऊंगा कैडेट डिफेंस एकेडमी जिसको आप ज्वाइन करेंगे पीडीएफ इफ यू वांट ऑल पीडीएफ देन यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल लेकिन उससे पहले आप चैनल जहां पे आप चैनल को देख रहे हैं वहीं पे सब्सक्राइब का बटन होगा सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे और इसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं ठीक है आपकी वॉच बहुत अच्छी अच्छा बहुत बढ़िया शुक्रिया जनाब वॉच के लिए ओके स्टार्ट करते हैं बेटा तो आज मॉक टेस्ट आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट है एक बार जल्दी से फटाफट सारे के सारे शेयर मारो और लाइक करो ताकि सारे के सारे बच्चे एक बार पहुंच जाएं फिर उसके साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि सभी का फिर स्कोर भी देखना होता है फिर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है तो अच्छे से स्कोर नहीं हो पाता है जल्दी फटाफट जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर सारे के सारे शेयर मारो जरा फटाफट लाइक और शेयर एक साथ चलते रहने चाहिए बेटा जल्दी फास्ट आने के लिए तो खड़ा हुआ हूं इतने 2 महीने से आप लोग के साथ अभी इंग्लिश की मैराथन के लिए तैयार है ना सारे के सारे सैटरडे को क्या घंटे की मैराथन लूं बताओ जरा
बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पढ़ लोगे, आधे घंटे तुमसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता। हाँ भाई, कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो तुम लोग? हाँ, उसमें मिसलिनियस कराऊंगा, मिसलिनियस क्वेश्चन बुक से कराऊंगा, ठीक है ना, बुक का ही सॉल्यूशन कराऊंगा मिसलिनियस क्वेश्चंस का, ठीक है। बताओ कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितने घंटे का जोश है तुम्हारे अंदर लगातार पढ़ने का? 12 घंटे बैठ जाओगे भाई साहब? मैं 12 घंटे, चलो अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रेस्ट ले लूंगा एक दिन का, लेकिन तुम्हारा लिया गया रेस्ट एक दिन का बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को, हालांकि मैंने भी अगर रेस्ट ले लिया तो नुकसान तो तुम्हारा ही है ना उसमें। इस समय रेस्ट तुम लो या मैं लो, बात एक ही है, पाली होती है, ठीक है। तो भी मेरे बाद मेरी क्लास होगी, मेरे बाद ओपी पटेल सर की, फिर मेरी 8 बजे द वो कैब शो, और 8 बजे के बाद जैसे ही मेरा 9 बजे फिर वो कैब शो खत्म होता है, फिर 9 बजे से बैक टू बैक फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपको पता ही है मैराथन क्लास है, तैयार रहिए मैराथन क्लास के लिए सारे के सारे बच्चे। तो कहानी को शुरू करते हैं बेटा। हाँ, एक्स ग्रुप की फिजिक्स की क्लास होगी बच्चा, ठीक है, चलो। और कल किसकी क्लास है भाई? कल वाई ग्रुप की मैथ्स की मैराथन क्लास है। तो अब हर दिन एक मैराथन क्लास होगी, ठीक है। और परसों कौन सी होगी? शायद क्या पता मेरी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरी सैटरडे की तो फिक्स है अभी, बाकी देखते हैं अभी बीच में किसकी होगी। हाँ, एक ओपी पटेल सर की भी मैराथन क्लास आने वाली है, ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे तो आपको पता ही है दोनों टीचर्स की किस किस की कौन कौन सी क्लास होगी, ठीक है बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप थोड़ा सा स्पीड में आ जाइए, एक बार लाइक करना शुरू कर दीजिए सारे के सारे बच्चे, लाइक और शेयर करो फटाफट तेजी से, ठीक है ना। हाँ, धड़ धड़ सर की कल होगी क्लास, ठीक है, वाई ग्रुप की कल होगी। आज मैराथन कितने बजे से है? आज रंग काला पड़ गया ना, तो इसलिए नेगी ने सोचा कि सर का रंग थोड़ा गोरा कर दूं। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जो भी नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, बेटा बहुत सारे नए स्टूडेंट आप जब क्लास देखते हो तो अगले दिन फोन करते हो कि सर क्या हम यहां से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी लगातार अच्छी की है और हमारे साथ आप मॉक टेस्ट अभी से भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो क्रैक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 दिन भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले क्या किया नहीं किया तो अब ये सोचने का पूछने का समय नहीं है, अब तो सीधा है टारगेट को हिट करना है, ठीक है ना बच्चे। तो हर बच्चा कोशिश ये करे कि पूरा ताकत लगा दे, चाहे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर बच्चे को कोशिश करनी है। ये नहीं कि होगा या नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। मुझे पता है आपकी दिल की धड़कने जो है बहुत तेज चल रही है, ठीक है, और क्यों ही ना चले, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चा तैयारी करता है मेहनत करता है उसी के दिल की धड़कने तेज चलती हैं, और उसी टीचर के दिल में भी धड़कने तेज होती हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए मॉक टेस्ट बना के ला रहे हैं रोजाना, सुबह शाम मैं आपके नंबर भी पूछूंगा मैं दोनों मॉक टेस्ट के आज, ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात यह है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हर मॉक टेस्ट में कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कई बार मेरे मॉक्स में 18-19 आ जाते हैं, आपके मॉक में कई बार 9-10 रह जाते हैं। तो आपको पता है कई बार मॉक बहुत टफ हो जाता है, कई बार इजी हो जाता है, तो यहाँ नंबर आपके लिए मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप चीजें नई सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में मुझे तुम्हें 20 में से 20 दिलाने होते तो मैं बहुत आसान आसान से क्वेश्चन डाल देता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह सोच समझ के चलो, क्योंकि पेपर देने जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता है अच्छा और बुरा क्या, कैसा कंटेंट है, क्या चीज है, वो सब बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो चीजों को नए नए सीखने की कोशिश करो, और टेंशन न लिया करो कि सर नंबर कम रह गए या कुछ हो गया, ये सब चीजों पे बिलीव करोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, डीमोरलाइज हो जाओगे, और डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट गाइज। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करोगे उतना स्पीड से मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है, आज का पहला मॉक टेस्ट आप लोग के सामने है, फटाफट एक बार जल्दी से सारे के सारे लाइक करते चले जाओ। आपकी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूं, तो चलिए फर्स्ट टाइम अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, हम कोशिश करेंगे कि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, बहुत तेजी से आंसर देना स्टार्ट करो, जल्दी बहुत तेजी से फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन द स्क्रीन इज, सर आप देख एकदम हिमेश रेशमिया जैसे लगते हो, यहां आंसर दे ले यहां, ये कॉम्प्लीमेंट बाद में देता रहना, 5 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं क्यों भाई नालायक? चलो भाई अबे तुम बातचीत मत करो, शांति से बैठो। ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज ऑफन, इफ समथिंग हैप इफ समथिंग हैपेंस ऑफन, इट मींस
वो रोजाना मतलब रेगुलरली होती है। कैसे होती है? सेटिंग करते टाइम सब जल्दीबाजी में हुआ तो उसके सेटिंग करते समय जो आंसर की में है वहां कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, बाकी जितना भी है एरर्स का पार्ट है चैप्टर वाइज है वो सारा ठीक है, सब कुछ सही है बिल्कुल। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इडियम्स फ्रेजल वर्ब्स जो पैसेज दिए हैं 70 समथिंग वो भी ठीक है, लगभग लगभग सारा सही है। बस जो मॉक टेस्ट है तो अक्षय ठाकुर बेटा या जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो सब जो है मैं सभी को बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी पीछे का मटेरियल कर लीजिए, जो मॉक टेस्ट है इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को करा दूंगा 25 तारीख के बाद बाद, लगभग एक हफ्ते में पूरे मॉक टेस्ट खत्म करवा दूंगा, उनकी आंसर की जो है अभी रुक जाइए वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी पीछे का जो प्री जो मटेरियल है उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स या पैसेज वो सब सॉल्व कर लीजिए, वो कैप सॉल्व कर लीजिए जो मिसलिनियस दी हुई है। मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग में वहां कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है क्योंकि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसकी जो आंसर की मैं लिखवाऊंगा जो मैं सही कर रहा हूं वही आंसर की आप लोग लेके चलना, ठीक है ना, उससे फाइनल करेक्शन भी हो जाएगा, ठीक। चलो बाकी जो बच्चे नहीं पहुंचे टेंशन न लीजिए, मैं मॉक टेस्ट इसीलिए करा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो अब जैसे देहरादून में मिल गई बच्चों को, आसपास के एरिया में मिलती जा रही है, तो ऐसे ही एक एक दिन जो है जितना दूर है वो उसी हिसाब से पहुंचती चली जाएगी, ठीक है। जैसे